सुप्रीम कोर्ट रो मिली बो इंस्टेंट डिवोर्स भंगा संपर्क रे फुल स्टॉप पई आ अपेक्षा करबा को पड़िबनी संपर्क रो भविष्य देखा जाउ नथिले आवश्यक पड़िबनी काउंसलिंग सुधार आशा नथिले विवाह रद्द करि पारिबे कोर्ट धारा 142 बल रे नै हेबो छाड़पत्र विवाह विच्छेद को रही एपरी बड़ राय सुनाई सर्वोच्च कोर्ट उभय पक्ष सहमति रे छाड़पत्र आवेदन कले 6 मास अपेक्षा करबा को बाध्य करा जीव नाही आर्टिकल 142 आधार रे मिलितबा विशेष अधिकार रो व्यवहार करी कोर्ट तत्काल छाड़पत्र कराई परिबे आमर प्रोविजन अछि सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट रे उभय सहमति रे गोटे दरखास्त करि परिबे किंतु तार गोटे स्टैट्यूटरी पीरियड अछि आइन रे 6 मास किंतु आज सुप्रीम कोर्ट मानवर सुप्रीम कोर्ट जेहेतु से 6 मास टाकु उठे दैछंती बहुत सुविधा हला बहुत पेंडिंग केस एई जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जतक रहिछि बहुत गुडे केस तुरंत सरजिबो बहुत सुंदर जिनस भारी बढ़िया आम स्वागत करछु या द्वारा बहुत लोग उपकृत हेबे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 13B आधार रे विच्छेद चाहुतिबा पति पत्नी को 6 मास समय अपेक्षा करबा को पड़िथाय मात्र एबे फैमिली कोर्ट बदले रे सुप्रीम कोर्ट मध्य विवाह रद्द करि पारिबे एक मामला रो सुनानी बेले सुप्रीम कोर्ट को 5 जुनिया संवैधानिक खंडपीठ ए राय सुनाइछंती उभय पक्ष को संपूर्ण न्याय देबार व्यवस्था मध्य करबा को हेबो बोली संवैधानिक बेंच कहिछंती काउंसलिंग समय को कोहळ करि पारिबे कोर्ट धारा 142 को व्यवहार करबा बेले सुप्रीम कोर्ट सब प्रकार स्थिति को परखिबे केउ आचरण स्थिति द्वारा दंपति को मध्ये संपर्क रहिबा असंभव संपर्क रो भविष्य त नाही बोली कोर्ट किपरि हृदयंगम करिबे ये सब को नै विवेचना करा जिवो आगो को ए दिगरे सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र गाइडलाइन जारी करि पारंती विवाह विच्छेद राय सुनाइबा बेले कोर्ट भरण पोषण और पिला रक्षण बेक्षण को मध्य गुरुत्व देबे हेले ए फैसला को आधार करी सीधा सड़क सुप्रीम कोर्ट रे विवाह विच्छेद पई आवेदन करि हेबो नाही बोली स्पष्ट करिछंती खंडपीठ हिंदू मैरिज एक्ट को देखिए जी जोटा कथा कहते सहमति में जो छाड़पत्र हो जे 6 मास गोटे कूलिंग पीरियड रखा होता जोटा कि समस्त प्रतिबाद करते जदि जमी कह द्विपक्ष स्वामी और स्त्री उभय राजी होती विवाह को विच्छेद करने कहीं 6 मास कूलिंग पीरियड अच्छी जेहेतु सुप्रीम कोर्ट देखले जे यपरी बहुत मामला 6 मास कूलिंग पीरियड मध्य किसी परिवर्तन आसुनी से विच्छेद जाऊँच तेणु आज सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करदे जे आउ कूलिंग पीरियड मध्य रही हिंदू विवाह अधिनियम आधार वेटिंग पीरियड को बात दे हेबो कि नहीं तार विचार पाई मामला को 5 जुनिया संवैधानिक पीठ को पठा जाइथिला 29 जून 2016 रे मामला संवैधानिक पीठ को जाइथिबा बळे 2022 दिसंबर 20 तारीख रे कोर्ट सुनाणी शेष करी राय संग्रहित रखिथिले आईन आणिबा सहज हेले समाज को आईन अनुसारे परिवर्तन करिबारे समय लागिथाय बोली कहिथिले खंडपीठ ब्युरो रिपोर्ट नंदीघोष टीवी